Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello guys, good afternoon to all of you. Guys, we are discussing about the topic of solid phase welding या solid state welding के बारे में आज हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं solid state welding या solid phase welding होता क्या है, इसके कैसे इसकी working process क्या है, इससे आप बेसिकली किस किस मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए क्या इसमें मेटल्स को वेल्डिंग कॉन्टैक्ट लाने के लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसमें की चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो सॉलिड फेस वेल्डिंग है, इसमें जो हमारा जो मेटल्स जिस मेटल्स को हमें ज्वाइन करना होता है उस मेटल्स को हमें उसको मेल्टिंग कॉन्टैक्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम मेल्टिंग कॉन्टैक्ट नहीं लाते हैं और उससे पहले हम उस मेटल्स को क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं प्रेशर अप्लाई करके. जैसे कि मान लो कि हमारा दो मेटल्स है, हमने बताया कि दो मेटल्स को अगर हमें इन दोनों मेटल्स को आपस में ज्वाइन करना है, इन दोनों मेटल्स को अगर हमें आपस में ज्वाइन करना है तो इसको हमें मेल्टिंग पॉइंट में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट में नहीं लाएंगे बल्कि हम इसको क्या करेंगे उसको सॉलिड स्टेट में ही हम उसको ज्वाइन कर देंगे. अब वो कैसे, जैसे कि हमने बताया कि अगर हमारे दो मेटल्स हैं जो कि आपस में जिसको ज्वाइन करना है तो इसमें किसी भी प्रकार का जैसे कि फिलर रॉड है या फिर इलेक्ट्रोड है इन सारी चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जो कि हमारे इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमने बताया था कि उस जिस मेटल्स को हमें ज्वाइन करना है उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं जिस वजह से उस जगह पे हीट क्रिएट होती है. क्रिएट होती है तो उस वहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कपीस होता था वो मेल्टिंग पॉइंट बल्कि वो हमारा प्लास्टिक फॉर्म में आता था. प्लास्टिक फॉर्म में आने जैसे प्लास्टिक फॉर्म में आता था तो हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते थे और उसको हम वहाँ से ज्वाइन कर लेते थे उस मेटल्स को. तो सेम इसमें भी प्रोसेस वही है सेम इसका, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम जो टेम्परेचर इसको हीट करने के लिए हम टेम्परेचर देते हैं या तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें जो भी एप्लीकेशन है जिस इस एप्लीकेशन का जो यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने बताया जो मेटल्स को ज्वाइन करना है उसमें या तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे केवल प्रेशर ओनली प्रेशर अप्लाई करेंगे और हमारा जो वर्कपीस होगा वो सॉलिड स्टेट में ही ज्वाइन हो जाएगा. सॉलिड स्टेट का मतलब यही है कि सॉलिड फेस वेल्डिंग का किसमें किसी भी वर्कपीस का कोई फेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना तो वो सॉलिड से लिक्विड में आएगा ना तो लिक्विड से वो सॉलिड में आएगा. मीन्स की सॉलिड फेस वेल्डिंग का मतलब यही है कि हमारा जो वर्कपीस होगा वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा और उसको हम क्या करेंगे प्रेशर अप्लाई करके उस वेल्डिंग को हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं. तो इसमें एक्चुअली इसकी वर्किंग है वो हमने बताया कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग सेम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की तरह ही काम करता है. बस डिफरेंस ये है कि इसमें कि हमारा जो हीट अप्लाई करते हैं मीन्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर प्रेशर के साथ साथ अगर हम इसमें हीट अप्लाई करते हैं या फिर कंबाइंड दोनों चीज़ इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर इसका है इस वर्कपीस को कितने टेम्परेचर तक हम लाना बिलो द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर था उसके नीचे का टेम्परेचर इसमें उससे कम टेम्परेचर में आप अप्लाई करेंगे और वर्कपीस क्या होगा वो अपने मेल्टिंग पॉइंट या प्लास्टिक फॉर्म आने से पहले ही क्या करेगा ज्वाइंट हो जाएगा, उसको प्रेशर देके उसको ज्वाइन कर देंगे. तो बेसिकली हमें बताया सॉलिड स्टेट वेल्डिंग रेफर्स टू ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच दी कोलिशंस रिजल्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एलोन आर कंबाइंड प्रेशर और हीट. इसमें या तो हम प्रेशर एलोन का यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए दो मेटल्स आपस में या तो दोनों चीजें कंबाइंड यूज करेंगे मीन्स की हीट और प्रेशर दोनों को. इफ हीट इज यूज टू द टेम्परेचर इन द बिलो अगर हम इसमें हीट का यूज करते हैं तो जो टेम्परेचर होगा वो उसके प्लास्टिक फॉर्म आने से पहले जो उसका जो प्लास्टिक फॉर्म आने से पहले जो टेम्परेचर होगा उतने उसके नीचे का टेम्परेचर इसमें हम अप्लाई करेंगे. मेटल्स बीइंग वेल्डेड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स मीन्स की जो भी टेम्परेचर इसमें हम अप्लाई करें जो भी टेम्परेचर इसको हम देंगे वो टेम्परेचर इसमें होगा कि उसको मेल्टिंग पॉइंट में आने से पहले जो जितना टेम्परेचर होगा उतना टेम्परेचर तक इसको हम हीट करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं उसको प्रेशर अप्लाई करके उस वर्कपीस को आपस में ज्वाइन करते हैं. उसका जो इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड है उस बॉन्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड उसको मिलाने के लिए कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें उसका बिलो जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे हम उसको हीट देते हैं. हीटेंगे तो क्या होगा उसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो क्या होगा आपस में उस वर्कपीस को क्या करेगा ज्वाइन कर देगा. इसमें हमें बताया कि इसका एडवांटेज क्या है. एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं जिसमें कि इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर भी है इसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रो स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स नहीं होते जैसे कि हमने बताया कि ब्लो होल्स या पोरोसिटी या फिर क्रैक ये सारी चीज़ें इसमें कोई
मतलब क्रिएट नहीं होती है। इसमें ये एडवांटेज कहीं है कि इस प्रकार की बिल्डिंग में किसी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। माइक्रो स्ट्रक्चर जैसे कि हमने बताया कोर्स होती है, ब्लो होल्स या क्रैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो वर्कपीस होता है वो हमारा वर्कपीस मल्टी पॉइंट में आता ही नहीं, बल्कि वो सॉलिड स्टेट में ही वेल्ड हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने बताया कि इसमें नो कंज्यूमेबल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई कंज्यूमेबल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि हमने बताया ना तो फिलर रॉड ना तो इलेक्ट्रोड, ठीक है, ना तो फ्लक्स, इन सारी चीज़ों की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा हमने बताया कि सिमिलर मेटल्स को भी हम इस प्रकार की वेल्डिंग से हम ज्वाइन कर सकते हैं, सिमिलर मेटल्स इस प्रकार की वेल्डिंग से किसी भी दो सिमिलर मेटल्स को या मटेरियल्स वाले मेटल्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा अगली बात आती है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसमें यह डिसएडवांटेज है कि वेल्डिंग करने से पहले जिस मेटल्स को हमें ज्वाइन करना है उसको हम क्या करते हैं, उसकी ब्रशिंग करते हैं, उसकी डस्ट क्लीनिंग करते हैं, उसके जो कि रफनेस फैसिले और उसमें जो ऑक्साइड वगैरह है उस सारी चीज़ों को हम रिमूव करते हैं वेल्डिंग करने से पहले या ज्वाइन करने से पहले। अब किसी अगली बात आती है क्लासिफिकेशन, जो हमारा सॉलिड फेज वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, उसको कितने भागों में बांटा गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहले आता है फोर्स वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग के बाद हमारा आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन के बाद हमारा आता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के बाद हमारा आता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये सारी चीज़ें जो भी वेल्डिंग ये हमारे जैसे जैसे मॉडिफाइड होता है, हमारी वेल्डिंग के जो भी टाइप्स थे वो हमारे फोर्स वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है। तो इन सारे वेल्डिंगों से हमारा जो भी वर्कपीस ज्वाइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले ही क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। मीन्स की सारे वर्कपीस को, ये जो भी वर्कपीस होगा वो सॉलिड स्टेट में ही ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, ठीक है गाइस। तो आप हमारे डिस्कस करेंगे इसमें एक एक टर्म को, पहले जो चीज़ें हमारे जो इंपॉर्टेंट है जैसे हमने बताया फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग, उसके बाद हमारा आएगा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फिर हम डिस्कस कर देंगे कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है गाइस, थैंक यू।